हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने वर्क डन किया था लेकिन एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास जो फोर्स लगेगी वो हर बार कांस्टेंट होगी, वो वैल्यू चेंज भी तो कर सकती है। और जब आपके द्वारा अप्लाई की जाने वाली फोर्स वैल्यू चेंज करती है तो उसे हम लोग वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। तो अब एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि वेरिएबल फोर्स की कहानी क्या है। ये हमारा एक्स वाई ग्राफ है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। आप देख सकते हो जो फोर्स की कर्व जा रही है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वो कर्व आपको क्या दिखा रही है कि फोर्स कई बार कम है, कई बार ज़्यादा हो रही है और कई बार कम ज़्यादा। तो मतलब इस तरीके से फोर्स जो है वो लगातार वैल्यू चेंज कर रही है। तो हमें क्या करना है, एक्स इनिशियल से लेकर एक्स एफ तक वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, आप लोग जो भी वर्क डन हुआ होता है उसको हम लोग मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीपल ब्लॉक्स का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल्स बना लेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इस तरीके से हम लोग किसी एक स्ट्रिप का, जैसे सपोज कर लो मैंने इस रेक्टेंगल के लिए वर्क डन फाइंड कर लिया, तो फोर्स होगी इस पार्ट के लिए एफ और डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला। तो मैं इसको पूरी के ऊपर इंटीग्रेशन कर दूंगा इनिशियल वैल्यू से लेकर फाइनल वैल्यू तक। तो यानी कि जो आपका वर्क डन होता है उसे हम लोग बहुत सारे स्मॉलर रेक्टेंगल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल का वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर देते हैं इनिशियल से लेकर फाइनल तक। इसका मतलब क्या है ग्राउंड लेवल पर, कि आप इसका वर्क डन कैलकुलेट करोगे, इस वाले का वर्क डन, इस वाले का, मतलब सभी ब्लॉक्स का वर्क डन कैलकुलेट करके इंटीग्रेट यानी कि ऐड कर रहे हो। और जब आप टोटल निकालोगे तो वो टोटल वर्क डन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगा। तो ये है कहानी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। हम लोगों ने पहले भी वर्क एनर्जी थ्योरम की थी लेकिन उस टाइम पर जो फोर्स थी वो कांस्टेंट थी और हमने अपना रिजल्ट निकाला था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। लेकिन अब जो फोर्स है वो वेरिएबल है तो हम लोग कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो मेरी जो शुरुआत होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी से, जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव करूँगा, यानी कि डी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव कर लिए एकत्रित। यहाँ पर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही आएगा, 1/2 एम कांस्टेंट है। जब आप वी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 2v dv बाय dt। तो डेरिवेटिव हमने यहाँ पर वी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, तो dk बाय dt 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई बाय v dv बाय dt मेरे पास ये आ गया। dt के साथ dt जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो dk इज इक्वल टू mv dv, तो ये मेरे पास रिलेशन बन। ओके, अब जो वेलोसिटी होती है यानी कि वी, वो हमें पता है क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे आप क्या करोगे, एम के साथ dv अपॉन dt हम लोग लिख देंगे और dx साइड में कर देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
जो होता है वो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो m इंटू ए डी एक्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एक्सेलरेशन होता है। तो अब आपको पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है f डी एक्स। क्योंकि हमने वेरिएबल फोर्स की बात करनी है तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। पोजीशन इनिशियल से फाइनल और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल। तो ये आपके पास आ जाएगा k इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो के एफ और के आई यानी इनिशियल, f कांस्टेंट तो x एक्स एफ और एक्स आई। तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो इसका मतलब है अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट लेकर आने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और यही हम लोगों ने सीखना है। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी को डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी और हमारे पास रिजल्ट बन गया डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी। वेलोसिटी को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ और डी वी अपॉन डी टी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स है, तो डी के इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। क्योंकि मुझे टोटल वर्क डन की बात करनी है तो मैं इनिशियल से फाइनल के बीच की इंटीग्रेशन करूंगा और मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाएगा जो सेम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और यही वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम थी जब फोर्स कॉन्स्टेंट लग रही थी और अब वेरिएबल में भी वही कहानी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। बड़ा सिंपल वे से आप समझ सकते हो, आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करो और जैसे ही आप अपनी लगाई हुई फोर्स को रिलीज करोगे वो स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई और जैसे ही मैंने अपने वाली फोर्स हटाई वो एनर्जी ने उसे दोबारा अपनी पोजीशन या अपना जो शेप था उसको अचीव करने में हेल्प की। और ऐसी ही एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी कुछ स्टोरेशन हो गया है एनर्जी का। अब सपोज कर लें, आप इसको समझ सकते हो, जैसे आप एरो यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं ऐसे एरो लगा दिया बो में, उसको पीछे खींचते हैं। जैसे मैंने उसको पीछे की ओर स्ट्रेच किया तो एक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में आ गई और जैसे ही वो मैं एरो रिलीज करूँगा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो जो एरो है वो आगे चला गया। तो इसका मतलब है जो एनर्जी आ रही है वो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर थी जो एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्टोर्ड एनर्जी। और उसी का एक हिस्सा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या चीज़ है? अब सपोज कर ले ये मार्कर है, ये अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे है और जैसे मैं इसको रिलीज करूँगा ये नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है जब मैंने इसको पिक किया और कुछ हाइट पर लेके गया इस टाइम पर इसके पास कोई एनर्जी स्टोर हो गई है और जैसे ही मैंने अपने वाले फोर्स को हटा दिया उस एनर्जी की वजह से, और या फिर आप कह लो कि ग्रेविटी में वो कन्वर्ट हो गया और वो नीचे की तरफ चीज़ आएगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको अपन करेंगे कैसे या समझते हैं कैसे, कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एक इक्वेशन है मेरे पास जो आपको पता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस, ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड इक्वेशन। अगर मैं ऊपर से नीचे कोई चीज़ ड्रॉप करता हूँ तो आपको पता है यू ज़ीरो होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ज़ीरो का स्क्वायर कह लो, एक्सेलरेशन को अपन जी लिखते हैं और जो हाइट है वो सपोज कर लो एच है, ये आपका सपोज कर लो ग्राउंड लेवल है
और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है और आप इसको इस हाइट पर ले गए एच। तो इस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर वेलोसिटी यू हमने ज़ीरो ड्रॉप कर दिया और जब वो इसको हिट करेगा तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, रूट टू जी एच। तो इस वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को क्या करने वाला है, हिट करने वाला है। अब हम लोगों ने वर्क डन की बात करनी है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों को पता है। अब यहाँ पर जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए या तो यू यूज़ कर ले सकते हैं या फिर वी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर वर्क, जैसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर वर्क डन होता है तो के लिख देते हैं अपन, तो वैसे ही अगर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन है तो उसे हम लोग वी या फिर यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फोर्स होती है वो आपकी होती है एम जी एच, जो फोर्स, सॉरी एम जी, फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी होगी तो एम इंटू जी। और जो हाइट है डी एच वो अपन क्या लेंगे, एच लेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए थे और जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ खींच रही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हाइट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, तो चेंज इन हाइट विल बी द नेगेटिव, तो इसीलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। या फिर आप इसको यूज समझ लो कि अपा ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए तो अर्थ अगर नीचे की तरफ खींचेगी तो फिर डायरेक्शन ऑपोजिट की वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच हमारे पास यहाँ पर आई है। ओके, ये आपका वेलोसिटी है फाइनल और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अब जब वो अर्थ पे पहुंचेगी ग्राउंड पे तो उसके पास होगी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, तो जब आप वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे 2GH, तो 2 से 2 कट गया, तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वही चीज़ होती है कि आपके पास सबसे टॉप पॉइंट पर सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी और जब ग्राउंड पे हिट हुआ तो फिर उसकी सारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी पर, और इन बिटवीन यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। और आप देखोगे कि जितनी एनर्जी यहाँ पे है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे होगी और उतनी ही जस्ट बिफोर हिट दी ग्राउंड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि थ्रू दी पाथ सारे रास्ते में एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, और इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन भी यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग इसको बोलते हैं। तो अभी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला मेरे पास हो गया। इन्होंने एक और यहाँ पर वैल्यू बनाई हुई है फॉर्मूला कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ से मैं यहाँ पर लेके गया तो इट विल बी इक्वल टू डी वी, वी इनिशियल वी फाइनल, तो वी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, माइनस है, यस यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो ये तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल डीवी इनिशियल फाइनल माइनस फाइनल इनिशियल इनिशियल फाइनल तो वी आई माइनस वी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है, मतलब ये आप एक्सप्रेशन याद रखनी है। अगर मेरे पास एक फोर्स लग रही है, मेरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे लेके आए, तो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल गिव यू द वर्क डन। तो आज के सेशन में इतना ही। आई जस्ट होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।